सबसे ज्यादा विस्मृति स्वरूप है, रिश्वत लेते हैं। हाँ है? नहीं होती है, लेकिन एडवांस में भी होने लगेगी। बाप जब तक प्रैक्टिकल में बेसिक में था तो इतना करप्शन था, जब शरीर छोड़ दिया साकार ने तब करप्शन बढ़ा। है शरीर छोड़ने के बाद गुरुओं का करप्शन बढ़ गया। जैसे द्वापर युग से ढेर के ढेर गुरु धर्म पिताएं आते हैं और कितना ज्ञान में करप्शन पैदा कर देते हैं, ऐसे ही एडवांस में होता है। बाप प्रत्यक्ष है तो वो बात अंदर की अंदर रहती है। जब बाप खुदान खास्ता गुप्त हो जावेगा तो करप्शन भी प्रत्यक्ष हो जावेगा। और बाप कोई एकदम थोड़े ही गुप्त हो जावेगा। बाप दादा ने तो बता दिया, जो बच्चे क्रोध को नहीं छोड़ेंगे तो बाप दादा उनसे मिलेगा ही नहीं। तो ये क्रोध विकार, ये काम विकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है या एकदम बढ़ जाता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जितना बढ़ता जाता है उतना प्रत्यक्ष होता जाएगा, सबकी बुद्धि में आवेगा ये क्रोध ही है। बाप का मिलना जुलना भी बंद होता जाएगा। अभी भी कहते हैं दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो गया, अरे उन दुनिया वालों की नजरों में प्रत्यक्ष था ही कब? कौन सी दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो गया? है ब्राह्मणों की दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो गया, और बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही अभी भी दिन प्रतिदिन जो बच्चे जास्ती दे अभिमान में आते जावेंगे, क्योंकि ना सेवा करते हैं न सेवा करने में दिल लगता है न धारणा करते हैं न धारणा करने की ओर ध्यान देते हैं न अमृत वेले याद करते हैं न ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो अवस्था नीचे गिरेगी ऊपर उठेगी? अवस्था नीचे गिरती जाती है। जो करेगा सो पावेगा। तो धीरे धीरे बाप गुप्त होते जावेंगे, बाप दादा गुप्त होता जावेगा। जो आत्माभिमानी बच्चे होंगे उनसे मिलन मेला चलता रहेगा, बाकी के लिए गुप्त हो जाएगा। तो जिनकी नजरों से गुप्त होता जाएगा उनके सामने अंधेरा आवेगा या रोशनी आवेगी? अंधेरा आवेगा। भक्ति मार्ग को कहेंगे अंधेरा, ज्ञान मार्ग को कहेंगे दिन। फिर जरूर ठोकरें खानी पड़े। और हाँ जी,
बोलो, नहीं तो चिट्ठियां पढ़ना शुरू करें। देर हो रही है क्या? घर जाने की याद आ रही है? और हाँ जी, अच्छी बात है। जितना गरीब होगा उतना भाग्यशाली नहीं, क्योंकि सड़क पे पड़े हुए ढेर ऐसे हैं जिनको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है। हाँ, ज्ञान में चलने वाले हैं और गरीब हैं तो ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि शिव बाबा गरीब निवाज है। लेकिन गरीब एक होते हैं 63 जन्मों के कर्मों के मारे हुए गरीब, और एक गरीब वो होते हैं कि जब बाप आते हैं तो बाप के कार्य में तन मन धन सब अर्पण करके बैगर हो जाते हैं। जिनको बाप बैगर टू प्रिंस बनाता है, तो ज्यादा भाग्यशाली कौन से बैगर हैं? हैं? जो बाप के आने पर, बाप को पहचानने के बाद विश्व कल्याण के लिए बैगर बनते हैं, वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। और एक होता है संपूर्ण विनाश, एक होता है आधा विनाश, और एक होते हैं अनेक प्रकार के आंशिक विनाश। तो आंशिक विनाश तो होते ही रहते हैं। कितनी बार राजाओं के राज्य में अकाल पड़े होंगे, भूकंप आए होंगे, वो तो आंशिक विनाश हैं जो चलते ही रहते हैं। लेकिन दो विनाश ऐसे हैं जो सृष्टि के मध्य में, द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में अर्ध विनाश होता है, वो भी बड़ा भारी विनाश होता है। और एक है कलयुग के अंत में महाविनाश, वो भी दो प्रकार का है। एक है महावारी महाभारत ग्रह युद्ध, जिसमें खून की नदियां बहती हैं, चारों ओर मौत का बाजार देखने में आता है, वो है भारत का कड़ा विनाश। और दूसरा है लास्ट विनाश, एटमिक विश्वयुद्ध, जिन एटम बमों की मार से सारी पृथ्वी डोलने लगती है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और उन भूकंपों में दुनिया के बड़े बड़े शहर, मल्टी स्टोरी वाली बिल्डिंग्स जिनमें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या भरी हुई है, वो सब ताश के पत्तों की तरह खलास होने लग पड़ती है। और
आपके सामने जब आता ना तो जो किसी ने सब खत्म होती है, वो कैसे मालूम क्या खत्म होती है जब प्रश्न पूछने रहा सब खत्म होती है। क्यों ये प्रश्न तो आ रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे? मेरे बारे में हाँ, तुम तो राजा राम हो। जब आता ना तो पहले देर से कुछ लेकिन भाव में समझाने के बाद ना एक प्रश्न भी नहीं रहता। और ब्रह्मा दक्ष ब्रह्मा प्रजापति दक्ष प्रजापति अलग अलग एक ही है। अरे दक्ष होगा तो ट्रेंड होगा, दीक्षित होगा दक्ष होगा, कहते ना ये कार्य करने में ये दक्ष है तो ट्रेंड है, और दूसरा ब्रह्मा दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा थोड़े ही है, वो दक्ष नहीं है। यहां किस बात की दक्षता ब्राह्मणों में देखी जाती है? ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या है? ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, इस बात में वो दक्ष है, दक्षता है, दीक्षित है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्म उसका नाम है दक्ष प्रजापति। शास्त्रों में दक्ष प्रजापति अंतिम नाम है, संपूर्ण स्टेज का नाम है। बाबा ने जो आदि से पढ़ाई पढ़ाई है उस आदि टाइम की आदि समय की अपूर्ण स्टेज का नाम दक्ष प्रजापिता बताया है। पहले पिता होता है या पति होता है? पहले क्या होता है? पहले पिता है। जब संपन्न बनता है, विश्वपति बनता है, राजयोग की दक्षता का प्रमाण आ जाता है, तो विश्वपति को ही शास्त्रों में क्या कह दिया है? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, जो ब्रह्मा सो विष्णु की भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं, बाकी दक्ष प्रजापति एक का ही नाम है। जिसका नाम दक्ष प्रजापति है वो न ब्रह्मा रूपी भुजाओं को चलाने वाला है, वो भुजाएं उसे नहीं चलाती परंतु वो भुजाओं को चलाने वाला है। और हर साल शादी लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा शादियां करती है या लक्ष्मी ज्यादा शादियां करती है? है विकार में जाना माना शादी, तो ज्यादा शादी माना महाकाली, और कम शादी या कोई शादी नहीं सिवाय एक के माने महागौरी। दासी क्यों बनते हैं? संगम युग में दास दासी की शूटिंग कब होती है? जब एक की न बन करके अनेकों की बनती रहती है, अनेकों की मत पर चल पड़ती है तो दासी बनती है। अगर आदि से लेकर के अंत तक एक के अंडर दी कंट्रोल रहे तो दास दासी पने का टीका नहीं लगेगा। और बोलो भाई, आधा घंटा रह गया है।
लक्ष्मी को नवारी साड़ी क्यों दिखाई जाती है? ये मराठी में नवारी क्या होता है? हैं? हैं? नवारी? नौ मीटर की? हाँ। लक्ष्मी नारायण का जो तामझाम है वो लंबा चौड़ा दिखाया जाता है, तो उनकी साड़ी भी छोटी होगी कि बड़ी होगी? है, बड़ी होगी। साड़ी ज्ञान मार्ग में किसको कहा जाता है? है, ज्ञान मार्ग में साड़ी माना क्या? शरीर रूपी वस्त्र। जो लक्ष्मी का शरीर रूपी वस्त्र है वो सबसे जास्ती लंबा होना चाहिए या नाटा होना चाहिए अफ्रीकन्स की तरह? लंबा ही होना चाहिए। क्यों? कितने जन्म लेती है? पूरे 84 जन्म लेती है। उससे जास्ती कोई और स्त्री है जो जास्ती जन्म लेती हो? नहीं। पूरे 84 जन्म तो कैसे लेगी? तो जिसके पूरे 84 जन्म हैं, वो पूरी 84 साड़ियां लेती है। उसके मुकाबले औरों की साड़ियां तो छोटी होंगी या बड़ी होंगी? छोटी होंगी। और नाम यह है नवारी, नव माने तो नौ, नौ में तो सारी दुनिया आ जाती है। क्या नवरत्न है ना, तो नौ के अंदर सारी दुनिया समाई हुई है। दुनिया में नौ ही धर्म है जो भगवान को मानने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं उनमें ही धारणा अच्छी होगी या औरों में धारणा अच्छी होगी? जो दसवां है वो तो धारणा ही नहीं करता, वो तो है ही अधर्मी। और लक्ष्मी अधर्मी कैसे हो सकती? इसलिए नौ प्रकार की साड़ियां गाई हुई हैं, दसवां धर्म उसे छू भी नहीं सकता। वो तो दुनिया का सबसे जास्ती विविचारी धर्म है। जो नौ धर्म हैं, उनमें कुछ न कुछ पवित्रता की धारणा नंबरवार है जरूर। तो जो नौ प्रकार की पवित्रता की धारणा है, जिसे कहते हैं नौधा भक्ति, वो नौ प्रकार की अभिविचारी भक्ति की यादगार महाराष्ट्र में नवारी साड़ी का नाम पड़ा है। और ध्यान से सुनो फिर बताओ हमको। इनके पास ही आवाज नहीं आती। तुलसी वृंदा के पास शादी कैसे लगाएगा? तुलसी की वृंदा, हाँ, कृष्ण के साथ शादी कैसे होती है? जालंधर की पत्नी है वो, जालंधर उसकी पत्नी है तुलसी वृंदा। जालंधर की पत्नी है ना, ये तो बाद में बनती है। पहले क्या थी? जो जालंधर की पत्नी बनती है वो उसकी पत्नी बनने से पहले क्या थी? तुलसी थी, है ना? तो पहली शादी तुलसी की हुई या वृंदा की हुई? पहले किसकी शादी हुई?
तुलसी की शादी हुई। और तुलसी की शादी जो है वो भगवान के साथ होती है पहली पहली। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में ये मान्यता चली आ रही है कि पहले पहले भोग लगाना है भगवान को, तो भगवान कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे, लड्डू पेड़ा जलेबी वगैरह क्या भोग पहले स्वीकार करेंगे हैं? 36 भोग उनके सामने रख दो वो नहीं स्वीकार करेंगे, पहले क्या करेंगे? जब तक उन 36 भोगों में या कोई भी प्रकार के भोग में तुलसी ऐड नहीं करेंगे, तुलसी का जब तक भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक वो किसी को भोगने वाले नहीं है। तो इससे साबित होता है कि भगवान को पहले पहले भोग किसने लगाया होगा संगम में? तुलसी ने लगाया होगा। वो तुलसी भी दो प्रकार की है, एक काली तुलसी जो जंगल में ही पनपती है और एक गोरी तुलसी माने हरी तुलसी जो जंगल में नहीं पनपती, घर ग्रस्त में ही पनपती है, घर ग्रस्त के बाहर उसका जीवन नहीं है। तो जो घर ग्रस्त में पनपती है वो सच्ची या जंगल में पनपती है कांटों के जंगल में वो सच्ची? बाप आकर के घर ग्रस्त की स्थापना करते हैं, जिस घर ग्रस्त की स्थापना करते हैं उस घर ग्रस्त की स्थापना में पहले पहले कौन गिरता है इस संसार में? माताएं गिरती हैं, पुरुष गिरते हैं, कन्याएं गिरती हैं, कौन ज्यादा गिरते हैं? माताएं ज्यादा गिरती हैं। तो माताओं में जो बड़ी से बड़ी माता है, सारे जगत की माता है, उसको अंत में उठाने का प्रावधान ड्रामा में नुदा हुआ है। वो जगदम्बा बनती है, वो ही जगदम्बा जगदम्बा का टाइटल लेती है, लक्ष्मी का टाइटल नहीं लेती। माना पुरुषार्थ बाप ने तो ये बताया है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ वो नहीं कर पाती, जगदम्बा बन की रह जाती। और जगदम्बा में ये शिफ्ट है कि वो सारे जगत की पालना करेगी, सब धर्म वालों की पालना करेगी, या सिर्फ भारतवासी देवताओं की पालना करेगी? सब धर्म वाले उस जगदम्बा की गोद में खेलते हैं। तो ऐसा कौन सा शहर है दुनिया में जो ऐसी कैपिटल बनती है? एक ही कैपिटल है दुनिया की जहां सब धर्म वालों ने राज्य किया है, सब धर्म वाले उस जगदम्बा की गोद में मनमानी खेल खेलते हैं। कौन सी नगरी है? दिल्ली। वो एक एक बच्चे की दिल लेने वाली है। कौन कितना झूठा है और कौन कितना सच्चा है, एक एक को परख लेती है। वो जगदम्बा है, बल दास दासी का पद पाती है। क्या? प्रकृति दासी बन जाती है या विश्व की महारानी बन जाती है? जब तुम बच्चे प्रकृति जी बनेंगे तो प्रकृति तुम्हारी
दास ही बन जाएगी। तो जो दासी है वो घर गृहस्थ में ऐसी दासी बनती है कि दासी को आंगन में बैठाया जाता है, अंदर बेडरूम में नहीं रखा जाता, बेडरूम में रानी महारानी रहती है और आंगन में चौखट के ऊपर दासी बैठती है। लेकिन हिम्मते बच्चे तो मदद बाप, उसने कौन सी ऐसी हिम्मत की जो हिम्मत लक्ष्मी ने नहीं की, उसने हिम्मत करके दिखाई। पहले पहले भगवान के प्रति अर्पण हो गई, तन से मन से धन से समय से संपर्क से सब प्रकार के संबंध से, जो संबंधों की बाजी जगदम्बा ने लगाई, जो संबंध की गहराई जगदम्बा ने अनुभव की, वो संबंध की गहराई कोई ने भी अनुभव नहीं की, सब प्रकार के संबंधों की बाजी लगाई। इसलिए बोला, रिजल्ट दे दिया वाणी में, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। 83-84 में बोला, तो क्या 83-84 तक कोई और पंजाब की बहनें सरेंडर नहीं हुई थी क्या? है सरेंडर तो ढेर सारी हुई, चंद्रमणि दादी का नाम कौन नहीं जानता है? बेसिक में एडवांस में दोनों में प्रसिद्ध है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया, वो तो 83 से बहुत पहले सरेंडर हो चुकी थी। 83-84 में जो सरेंडर हुई उसके आधार पर एडवांस में सब सरेंडर हुए। एक ने कदम आगे बढ़ाया तो एक के पीछे पीछे ढेर के ढेर निकल पड़े। जिन माताओं को कैद में चलने में उनके युवक सहयोग नहीं करते हैं, उन माताओं को बांडिल माता कहते हैं, और उसके विपरीत भाइयों को बांडिल कहेंगे क्या? उन माताओं का सहकार नहीं किया माना, जिन माताओं के पति ज्ञान में चलते हैं, पति ज्ञान में नहीं चलते, उन माताओं को बांडिल माता हम ज्ञान में बोलते हैं। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि उन्होंने भक्ति कर ली, साप्ताहिक कोर्स ले लिया, शुरू शुरू में क्लासेस भी अटेंड किए, फिर दुर्योधन दुशासन ज्यादा पतित बनते हैं या कन्याएं माताएं ज्यादा पतित बनती है? तो धारणा से नीचे पहले कौन गिरता है? पुरुष गिरते हैं। तो ऐसे पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है जो दिखाने के लिए तो ज्ञान में चलते हैं, दिखावा तो करते हैं कि हम भगवान बाप के बन चुके, हम सरेंडर हो चुके, बाप के बच्चे बन गए, लेकिन अंदर से उनकी विद्या खत्म नहीं होती। वास्तव में वो अपन को एक बाप के बच्चे भाई बहन आपस में नहीं समझते, न समझने के कारण जो घर में युगल है उसको क्या समझते हैं? बहन समझते हैं कि आज की दुनिया की परंपरा के अनुसार स्त्री दासी समझते हैं, दासी समझते हैं। तो दासी के ऊपर कंट्रोल करना उनका हक हो जाता है, ऐसे समझते हैं।
तो वो तो बांधेली हो जाएगी ना, माता बांधेली हो जाती है। और जो पुरुष है वो भक्ति करने के बावजूद भी, साप्ताहिक कोर्स लेने के बावजूद भी, थोड़े बहुत क्लासेस करने के बावजूद भी, दुनिया की नजरों में तो देखने में आता है कि ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में अंदर से अज्ञानियों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता है और अज्ञानी को, अगर पति अज्ञानी है, ज्ञान में आया ही नहीं, और वो ही पाप कर्म वो भी करता है अपने ज्ञान में चलने वाली पत्नी के साथ, और एक ज्ञानी है, ब्राह्मणों की नजरों में ज्ञानी है, दुनिया वालों की नजरों में ज्ञानी है, वो ही पाप वो भी करता है, तो ज्यादा पापात्मा कौन हुआ? जो ज्ञानी है वो बड़ा पापात्मा हो गया। समाधान हुआ? अरे चुप क्यों हो गए भाई? लोग ध्यान में चलने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन धन से युग से सरकार नहीं मिलता है। सरकार नहीं मिलता, युगल समझती है ना, ये दुर्योधन दुशासन का हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो सहयोग देगी? उसका सहयोग देना जायज है? दुर्योधन दुशासन को सहयोग देगी तो उसका भला होगा कि बुरा होगा? क्या होगा? है? बुरा होगा। माता ध्यान में नहीं चलती, भाई लोग ध्यान में चल रहे हैं। हाँ, सहयोग नहीं मिलता। हाँ, जब माताएं ज्ञान में नहीं चलती हैं तो कोई बात नहीं, तो पुरुषों को परेशान होने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाबा ने उनको वरदान दिया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, इसलिए निश्चिंत तो हो जाना चाहिए। वो सहयोग दें या न दें, तेरा कोई साथ न दे तू अकेला चलो रे। घबराने की क्या बात? शंकर जी किए जटाओं में गंगा दिखाते हैं तो गंगा मैया कहा जाता है, तो वेद में गंगा का पार्ट बजाने वाली कोई माता है क्या? है? अच्छा, गंगा की बात बाद में, क्योंकि गंगा तो बाद में निकलती है या पहले निकलती है? वो तो बाद में निकलेगी, लक्ष्मी भी बाद में निकलेगी। जगदम्बा को माता क्यों कहा जाता है? है? नहीं, जगदम्बा कन्या है या माता है? है? माता है। जब जगदम्बा नाम टाइटल पड़ा है, अम्बा माने माता, तो जरूर कोई पिता भी होगा। ये बात दुनिया भूल जाती है। ऐसे ही गंगा मैया कहा जाता है और गंगा के पुत्र भी दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते कि नहीं? तो बिना बाप के पुत्र पैदा हो जाते हैं क्या? नहीं, जरूर कोई बाप है। शास्त्रों में उसका नाम क्या दिखाया है? शांतनु, नो शांति अटल। क्या? शांतनु को शांति मिलती ही नहीं, या तो एक गंगा हो, गंगा नहीं तो कोई दूसरी हो, अगर नहीं है तो अशांत,
संति नाम की चीज ही नहीं, तो उसको कहते हैं शांतनु। यहां बात है शंकर की, जैसे वहां आदि में शांतनु दिखाया, कौन से ग्रंथ की बात है, है? महाभारत की बात है। अभी भी महाभारत का समय टाइम वो ही चल रहा है, तो वहां शांतनु नाम दिया या शंकर जी नाम दिया? शंकर नाम देते हैं, परंतु उनको काम क्या दिखाते हैं? कुछ काम करते दिखाते हैं कि नहीं? नहीं, याद में दिखाते हैं, कोई काम करते नहीं दिखाते, झूठ बोलते। विष पात्र पीते हुए दिखाते कि नहीं? नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं। वो पीने को मिले तो उनका पेट भरे, पीने को न मिले तो जैसे अशांत हो जाते। जितने भी दुनिया में शराबी हैं, अफीमची हैं, विषभरी चीजें खाने वाले स्मैकी हैं, उनको स्मैक मिलेगा तो आराम आएगा। शराब मिलेगी तो आराम आएगा, और नहीं मिलेगी तो क्या हो जाता है उनको, है? अशांति हो जाती है, बेआरामी हो जाती है। नाम पड़ता है शांतनु। तो जगदम्बा सदैव उनके पास रहती है क्या? है नहीं, जगदम्बा सदैव तो जगत पिता के साथ नहीं है। अरे बच्चों की भी पालना करनी है या नहीं करनी है? है, बाप तो कठोर स्वभाव का होता है, बच्चा कंट्रोल से बाहर होता है, देह अभिमानी होता है, तो कान पकड़े फड़फड़ भाग। अब अम्मा ऐसा कर सकती है क्या? अम्मा बच्चों को देखेगी या नहीं देखेगी? वो तो देखेगी। माता कुमाता न भवती, बाप के लिए ऐसे नहीं कहते। तो जगदम्बा सदैव तो रहती नहीं, तो उन्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए कि भूख मर जाए? अरे सारी दुनिया को चाहिए तो सारी दुनिया के बाप को भी चाहिए। वो देवता बन गया क्या? देवता बन जाता है क्या? है, चुटकी बजाते देवता बन जाता है? नहीं, सबसे जास्ती पुरुषार्थ किसे करना पड़ता है देवता बनने के लिए? है, अरे जिसको सबसे जास्ती पुरुषार्थ करना पड़ता है तो उसको टाइम भी सबसे जास्ती चाहिए। तो गंगा मैया कहा जाता है, इसका मतलब जो अंत में गंगा निकलती है, वो जो अंत है सो आदि भी है। माने जगदम्बा से भी पहले गंगा निकलती है, परंतु जगदम्बा है प्रवृत्ति मार्ग की पक्की, और गंगा है निवृत्ति मार्ग की पक्की। आदि और अंत में उसका पार्ट। इसलिए वो आदि में ही गंगा क्या बन गई? मैया बन गई थी। और नाम भी पड़ता है गंगाधर। धर माने हैं? धारण करके बैठ गया, धर के बैठ गया। कहते ना धरावना कर लिया है क्या?
यूपी की भाषा है। धरौना माने किसी को धर के बैठ जाए, तो जिसको धर के बैठ जाए वो भी मैया हुई कि नहीं हुई है, वो भी मैया हुई। और गौमुख जो है उसमें से दिखाते हैं गंगा निकली। गौ कौन है? कन्या माताओं में मुख्य गौ कौन है? जगदम्बा। जो जगदम्बा है वो पहले निकलती है या गंगा पहले निकलती है? जगदम्बा पहले और गंगोत्री बाद में। गंगोत्री नीचे दिखाते हैं, गंगा उतरी तो नीचे दिखाते हैं या ऊपर दिखाते हैं? गंगा उतरी नीचे दिखाते हैं और ऊपर गौमुख दिखाते हैं। वो गौमुख फूल का बना हुआ है, पत्तों का बना हुआ है, मोम का बना हुआ है, काहे का बना हुआ है? 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 पत्थर का बना हुआ है। ये भक्ति मार्ग में जो पत्थर का गौमुख दिखा दिया है वो किस बात की यादगार है? पत्थर बुद्धि है। जैसे काठ की नवैया दिखाते हैं, दिखाते हैं काठ की नवैया से पार हो गए कौन है? राम जी महाराज, भगवान। तो कठबुद्धि कहो या पत्थर बुद्धि कहो, वो गैया कामधेनु जिसका नाम है उसके मुख से गंगा निकलती है, माने गंगा को जन्म देने वाली कौन हुई? जगदम्बा। और वो ऊंची स्टेज में जब जाती है तब ही गंगा निकलती है, नीची स्टेज में रहेगी तो गंगा नहीं है। तो गौमुख से गंगा दिखाते हैं, पानी निकलता हुआ दिखाते हैं, माने गौमुख से भी जो ज्ञान निकलता है वो उतना ही ज्ञान निकलेगा जितना जगत पिता ने सुनाया है मंथन करने के बाद। बाकी कोई नई बात नहीं निकलेगी। नई बात निकले तो कहेंगे मक्खन निकला, लेकिन गंगा पानी की है या दूध की है? पानी की गंगा है। पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलता। ये तो ज्ञान सागर शिव है जो शंकर में प्रवेश करके शंकर का मनन चिंतन मंथन उत्तेजित कर देता है, और वो ज्ञान का दूध मक्खन बन जाता है। जिसे जगदम्बा ज्यादा संसर्ग संपर्क में रहती है तो जगदम्बा ज्यादा सुनेगी या दूसरा कोई ज्यादा सुनेगा? जगदम्बा ही ज्यादा सुनती है। इसलिए सरस्वती जगदम्बा को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। कोई भी बेसिक में ऐसी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, दीदी दादी दादाएं नहीं है, एडवांस में भी कोई दीदी दादी दादाएं या ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है,
जो उसको ज्ञान में क्रॉस कर सके। लेकिन वो ज्ञान पानी का ज्ञान है, पतितों को पावन बनाने वाला ज्ञान नहीं है, प्रभावित करने वाला ज्ञान है। उसकी वाणी से सारी दुनिया प्रभावित हो जाती है। जिस माया रावण को बाबा सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं, वो भी प्रभावित हो जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा जो सारा ब्राह्मण परिवार प्रभावित से प्रभावित हो जाएगा, सारा ब्राह्मण परिवार। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। आठ देव में से जो सात देव हैं, वो भी आखिरी जन्म में प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर कौन बचेगा? इसलिए सिख लोग कहते हैं, सिखों में ही गायन है, राज करेगा खालसा। कहां? सारी दुनिया के ऊपर, सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर खालसा राज्य करेगा। कुछ तो पवित्रता होगी, वो पवित्रता दिखाने की पवित्रता है या अंदरूनी पवित्रता है? अंदरूनी पवित्रता है। और बाबा कहता है मनुष्य का मनुष्य से प्यार करना चाहिए। ये कौन कहता है बाबा? है बाबा कहता है ऐसा? मनुष्य मनुष्य से प्यार करना चाहिए ऐसा बाबा कहता है? अरे मनुष्य को तो भगवान कहा ही नहीं जाता, मनुष्य किसे कहा जाता है? मन के आधार पर मनुष्य कहा जाता है। जिसका मन एकाग्र नहीं होता है, जिसका मन चंचल बना रहता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। तो चंचल मनुष्य उसके साथ प्यार करना चाहिए? ये तो उल्टी बात लिख दी। तो बाबा कहता है मनुष्य का मनुष्य से प्यार होना चाहिए, पर यहां तो पहले ही बुद्धि में बैठाया जाता है पुरुष दुर्योधन दुशासन है, और फिर इसके आगे प्यार टूटता जाता है। रिजल्ट क्या होगा? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है तो प्यार टूटेगा या जुड़ेगा? टूटता जाता है। बहन भाई का, पति पत्नी का, बाप बेटी का, सभी रिलेटिव्स का प्यार कम होता जाता है। देह के संबंधी छोड़ दो, बाबा ऐसा कहता है। तो मनुष्य का मनुष्य से प्यार बढ़ेगा या टूटेगा? है क्या होगा? है अरे बाबा जो कहता है उसके आधार पर ही अगर सबका विश्वास बैठ जाए तो मनुष्य का मनुष्य से प्यार बढ़ेगा या टूटेगा? अरे ये तो इसने ठीक लिखा ना, प्यार बढ़ेगा या टूटेगा? बढ़ेगा। अरे बाबा कहता है, बाबा क्या कहता है?
जो पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है, तो उनके प्रति घृणा भाव पैदा होगा या प्यार बढ़ेगा? घृणा भाव बढ़ेगा। जब घृणा भाव बढ़ेगा तो बहन सोचेगी ये भाई अभी दुर्योधन दुशासन बन सकता है, दुनिया में ऐसी बहुत सी खबरें अखबारों में आ रही हैं, तो दूर 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 करेगी, दूर भागेगी या प्यार करेगी? है दूर भागेगी। पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा या दूर 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 करेगा? है दूर 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 करेगी। अरे प्रैक्टिकल में अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, भाइयों को भी हो रहा है और माताओं को भी हो रहा है कि प्यार पति पत्नी का बजाय बढ़ने के क्या हो रहा है? घट रहा है। बाप बेटी का मुरली में भी बाबा बोलते हैं, आज की दुनिया में बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, तो बताओ किसके ऊपर विश्वास करें? तो बेटी बाप से दूर भागेगी जवान होने के बाद या नजदीक आएगी? दूर भागेगी। तो सभी रिलेटिव्स का प्यार कम होता जाता है, क्योंकि बाबा समझाता है देह और देह के संबंधियों से बुद्धियोग तोड़ दो। तो मनुष्य से मनुष्य का प्यार बाबा घटा रहा है या बढ़ा रहा है? है? घटा रहा है। बाबा तो बड़ा शैतान निकला, क्यों हंस रहे हैं? हैं? उनसे हटना चाहिए। सुनीता माता को लेकर के आया करो, तब बातें बोला करो, जो कुछ मन में आता है सोई बोलते रहते। हाँ, तो जिसने लिखा है वो तो सच्चा लिखा कि झूठा लिखा है? सच्चा लिखा, लेकिन लिखने वाले का जो लक्ष्य है वो क्या साबित होता है? भगवान से प्यार बढ़ाने का लक्ष्य साबित होता है या दुनियावी मनुष्यों से प्यार करने का लक्ष्य साबित होता है? है? ये जो लिखत है ये साबित करती है कि लिखने वाली आत्मा चाहती है कि भगवान हमको उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहा है, होश में रहना, होश नहीं खो जाए, नहीं तो सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। ये समाज को तोड़ने वाला ज्ञान है, समाज को बनाने वाला ज्ञान नहीं है। तो बताओ ये ईश्वर का ज्ञान समाज को बनाने वाला है या तोड़ने वाला है? हैं? कैसे बनाने वाला? प्रैक्टिकल में तुम्हें समझा दिया। हाँ, जो जानवरियत का प्यार है वो अच्छा लगता है, दाड़ पार दाड़ पार वो अच्छा लगता है। या तो लिखने वाले को अभी दुनिया का अनुभव नहीं हुआ है कि ये मारामारी की दुनिया, खून खराबे की दुनिया कहां तक पहुंच गई है, ये बुद्धि में अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह की बात लिख रहा है। मुरली में कहा है ब्रह्मा बाबा धारणा की वाणी चलाता है, वो धारणा मूर्त है तो धर्मराज है, और जब राम के तन में आता है
तो बीज रूप बन जाता है, क्योंकि राम वाली आत्मा सारी दुनिया की बीज है, तो ज्यादा पावरफुल के संग में आकर के क्या बनेगा, बीज रूप बन जाता है। और फिर बाबा बोलता है वो गधा है कौन, ब्रह्मा बाबा गधा है और देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता है बार बार, वो गधा कहो बैल कहो, मंदिर में नाली के सामने बैठा हुआ है, तो फिर वो धर्मराज कैसे है बताओ भाई, बड़ा भारी प्रश्न आ गया। अरे प्रश्न में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ब्रह्मा की आत्मा संपन्न स्टेज में धर्मराज होगी या अभी धर्मराज है, जब संपन्न स्टेज हो जाएगी तो धर्म का राजा होगा, और लिखने वाले को तब पता चलेगा कि वो कैसे डंडे मारता है, कैसे धर्मराज बनता है। अभी तो उसकी अंग्रेजों जैसी चाल है, अंग्रेजों का प्यार कैसा होता है, हैं? बाहर से बड़ा प्यार दिखावेंगे और अंदर से गुस्सा भरी हुई है, चल बेटा कल तेरे को देखूंगा, मारा मार मारा मार मारा मार, सारा देह बांध छोड़ा देगा। तो लिखने वाला भूल गया कि ब्रह्मा की आत्मा अभी धर्मराज नहीं है, क्या अभी धर्म का राजा नहीं है। अगर धारणा का राजा होता तो ज्ञान बुद्धि में बैठता, या जब देवान की परीक्षा आए तो मिट्टी में लुट जाएगा पटाख से, है? अरे टाइम पर अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरा तो ज्ञान की धारणा वाला कहेंगे कि ज्ञान बुद्धि में से निकल जाता है, कहेंगे निकल जाता है। और ब्रह्मा की बुद्धि में तो वैसे भी ज्ञान नहीं ठहरा, क्यों, ज्ञान की मुख्य बात कौन सी है, ज्ञान के जितने भी पॉइंट हैं इनमें मुख्य पॉइंट ज्ञान का कौन सा है, बाप की पहचान। तो यज्ञ के आदि से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, यहां तक के मुरली में शिव बाबा ने ब्रह्मा की वाणी से ही बोल दिया कि तुम ब्राह्मणों को अपने नाम से पहले प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए, फिर भी आज तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रजापिता शब्द नहीं लगाता, क्योंकि खुद ब्रह्मा की ही समझ में ये बात नहीं बैठी, अगर बैठी होती तो सन 47 में ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं रखता, अपना नाम बाला नहीं करता, किसका नाम बाला करता, बाप का नाम बाला करता, अपना नाम पीछे कर देता। वो गलती मुरली में बाबा ने सुधारी तो भी बुद्धि में नहीं बैठी, और कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में नहीं बैठी। तो ज्ञान की धारणा मुख्य है या दुनिया भर की दूसरी धारणाएं मुख्य है, मुख्य धारणा कौन सी है, ज्ञान की धारणा मुख्य है। बाप की जो देन है वो क्या है, बाप लड्डू देता है, पेड़ा देता है, क्या देता है, धन दौलत देता है, बैंक बैलेंस देता है, क्या देता है, प्रैक्टिकल में क्या देता है,
ज्ञान ही तो देता है, वो ज्ञान तो धारणा हुई नहीं, तो दुनिया भर की धारणा से क्या फायदा। और देवात्माओं में तो वैसे भी ज्ञान नहीं होता है, वो तो देवात्माओं में पहला नंबर है, कौन? ब्रह्मा पहला पत्ता है। देवात्माएं बुद्धू होती हैं या बुद्धिमान होती हैं? बुद्धू होती हैं। उन देवात्माओं के मुकाबले तो जो संगम युग में ज्ञान धारण करते हैं, बाप को पहचानते हैं, अपने अनेक जन्मों को पहचानते हैं, उनको कहेंगे बुद्धिमान। वो लक्ष्मी नारायण संगम युग के हैं बुद्धिमान, समझदार विश्व के मालिक बनते हैं। जो बुद्धू हैं वो विश्व के क्या मालिक बनेंगे? बुद्धुओं के मालिक बनेंगे या बुद्धिमानों की दुनिया के मालिक बनेंगे? हैं? वो तो बुद्धुओं के मालिक बनेंगे। इसलिए अगर ब्रह्मा को सब विकारों का बीज बताया गया, विकारों का बाप कौन है? हैं? देह अभिमान। वो देह अभिमान में ही अंत तक शरीर छोड़ गए, बीज रूप स्टेज बनी ही नहीं, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब देह अभिमान के देह अभिमानी ही रहेंगे या आत्माभिमानी बन जाएंगे? देह अभिमान के देह अभिमानी ही बने हुए हैं। और देह अभिमानियों में भी बैल का देहवान बहुत प्रसिद्ध है, जैसे गधे का प्रसिद्ध है। बैल में विशेषता क्या होती है? देह अभिमान की एक विशेष बात है, अड़ जाना, उसको कहते हैं अड़ियल बैल। अड़ जाएगा तो फिर हटता ही नहीं। तो जैसे कि गीता का भगवान कौन इस बात में अड़ गया कि हिल गया, अड़ गया। जो बड़ी से बड़ी भूल है उस भूल में अड़ गया, तो अड़ियल बैल का रूप बना दिया गया। वो बैल क्या करेगा? है क्या करेगा? उसका मुख नाली की तरफ रहेगा या स्वर की ओर रहेगा? नाली की तरफ रहेगा। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? शंकर कुछ भी नहीं करता, विषय विकारों का विष पीने वाला भी शिव है, राम नहीं है। अगर राम होता, राम वाली आत्मा विषय विकारों का विष पीने वाली होती, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता ही नहीं। ब्राह्मणों का अनुभव है, ब्राह्मण जीवन में विकारों में जाने के बाद बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है। तो बैल दिखाया गया या गधा दिखाया गया, बात एक ही है। वो बाप है और कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियंस लोभी मुस्लिम अहंकारी रशियंस, इनकी पैदाइश किसके द्वारा होती है? देह अभिमानी के द्वारा इसकी पैदाइश होती है। यज्ञ के आदि से ही ये देह अभिमानी विधर्मी
ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी ब्रह्मा माता का मोह उन विकारियों की तरफ से हटता नहीं है। इतना ज्ञान क्लियर होने के बावजूद भी वो आत्मा कहां चली जाती है, कहां दौड़ जाती है, उन्हीं विकारियों के पास दौड़ जाती है। माता में कौन सा विकार विशेष होता है, मोह विकार, तो उसका नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी मां। कितना भी ज्ञान सुनती है फिर भी कौन से विकार में फेल हो जाती, मोह विकार में फेल हो जाती। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला गया, क्या बोला है, माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो जैसे विजयी हो गई, समझो सब विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ओम शांति।